मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं टुडे, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें एक थ्योरम है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ आर परसेंट फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज एक्स, देन फाइंड द सम। अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट को जो डिफरेंस है रुपीज एक्स है या कोई एक सर्टेन अमाउंट दिया हुआ है तो सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसमें टाइम को आपको देखना है कि 2 ईयर्स दिया हुआ है। सबसे पहला जो हम ये थ्योरम बता रहे हैं और उसका जो ट्रिक बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको टाइम देखना है कि डिफरेंस जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है, टाइम यदि 2 ईयर्स का है और रेट यदि आर परसेंट है और ये इसमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस मान लो लेट रुपीज एक्स एक्स वगैरह है, तो इसको सम फाइंड करना है। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ये थ्योरम जो है डिफरेंस इनटू 100 बाई आर का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है फॉर 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए ये अनदर ये थ्योरम डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 ईयर्स के लिए यह है। इसी में यदि आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है सम फाइंड करना है, सपोज कर लीजिए कि डिफरेंस ही दिया हुआ है और ये इसमें जो है डिफरेंस दिया हुआ है सम फाइंड करना है। अब सम दिया हुआ है डिफरेंस फाइंड करना है, तो उस केस में क्या यूज करना है, डिफरेंस इक्वल टू सम इनटू आर बाई 100 का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड डिफेंस, अदर जो एग्ज़ाम है बैंकिंग, तो इस तरह का क्वेश्चंस रहता है। यदि आप डिटेल मेथड में लॉन्ग मेथड में सॉल्व कीजिएगा, टाइम भी बहुत लगेगा आपको, वहाँ पेज भी एक्स्ट्रा रफ पेज दिया रहता नहीं है, तो आपको ट्रिक एडॉप्ट करना ही होगा। ट्रिक का हेल्प ले करके बहुत कम समय में और सही आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक सम दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ध्यान रखना है फॉर 2 ईयर्स 5% पर एनम इज रुपीज 1.50, ऐसा दिया हुआ है। आपको सम फाइंड करना है, तो हम ट्रिक बताए थे द सम इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस इंटू 100 बाई आर का स्क्वायर। तो डिफरेंस हो गया 1.50, 100 इंटू 100, रेट आप देख लीजिए 5 है तो 5 का स्क्वायर हटा दीजिए, नीचे 100 आ गया, इसके बदले 1 लिखे, 2 अंक 2 0, 100 यहाँ कैंसिल हो गया, 150 इंटू 100, नीचे 25, 5 का स्क्वायर 25 ये 6, यानी आपका जो सम ऑब्टेन हो गया 600। डिटेल मेथड में संभव नहीं है, बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत स्पेस भी लगेगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपके पास स्पेस है ना आपके पास टाइम है, आपके पास ट्रिक होना चाहिए, आपके पास शॉर्टकट ट्रिक होना चाहिए ना, उसका ये थ्योरम का हेल्प लेना होगा, ट्रिकी वेज को एडॉप्ट करना है और एक्यूरेट आंसर फाइंड करना है। सेकेंड जो सम दिया हुआ है, सेकेंड सम में आपको डिफरेंस फाइंड करना है और सम ही दिया हुआ है, लेकिन टाइम आपको चेक कर लेना है कि 2 ईयर्स है कि नहीं। 2 ईयर्स है तो इसके लिए हम बताए हैं कि आपका जो डिफरेंस फाइंड कीजिएगा, तो डिफरेंस इक्वल टू सम इनटू आर बाई
100 का होल स्क्वायर। तो सम आपके पास कितना दिया हुआ है, सम आपके पास दिया हुआ है 1500। तो यहाँ 1500 लिखना है, रेट आपके रेट जो है 10% दिया है, 10 लिखना है, 10/100 का होल स्क्वायर, 1500 10 × 10 और 100 × 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डिफरेंस आपका ₹15 का आ गया। लेकिन जब टाइम्स 3 ईयर्स हो तो उस केस में कौन सा फार्मूला, किस तरह का ट्रिक को एडॉप्ट करना होगा। अब जो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट सर्टेन रेट आर परसेंट पर दिया हुआ है, उस केस में आप सम को कैसे फाइंड कीजिएगा। सपोज कर लीजिए जो सेकेंड जो थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, अब इसमें जो है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का ये दिया हुआ है, टाइम आपका 3 ईयर्स है, वो टू पहले वाला जो था 2 ईयर्स का था, अब 3 ईयर्स है, रेट आर परसेंट है, डिफरेंस आपका मान लीजिए कि एक्स वगैरह दिया हुआ है, तो सम निकालने के लिए एक्स इंटू 100 का क्यूब आर का स्क्वायर 300 प्लस आर, आर आपका रेट को इंडिकेट कर रहा है, एक्स यहाँ डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, आप सम को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड जो सम दिया हुआ था, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% इज ₹122, ये डिफरेंस दिया हुआ, फाइंड द सम। तो बहुत आसान है, सम इक्वल टू डिफरेंस 122, इसके बाद 100 का क्यूब 100 × 100 × 100 आर का स्क्वायर, आर आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 300 में 5 जोड़ दिए 305, इसमें से 25 फोर जा 5 2 जा और 5 6 जा 5 1 जा 61 2 जा, यानी आपके पास 2 × 4 × 20 × 100 यानी आ गया ₹16,000। यानी सम आपका कितना आसान से आप फाइंड कर लिए। डिटेल मेथड में जाइएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, उसके बाद दोनों का डिफरेंस को निकालिएगा, तो फिर वहाँ से सम वगैरह ऑब्टेन हो जाएगा। तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, स्पेस भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, ना आपका एग्ज़ाम में टाइम है ना स्पेस है, ओनली ट्रिक ही अडॉप्ट करना होगा। ट्रिक मेथड अडॉप्ट करते हैं, कम समय में अधिक से अधिक सम को है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। कंपिटिटिव एग्ज़ाम में लॉन्ग मेथड अडॉप्ट करने का कोशिश नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक को यूज करना है सम में, और एग्जैक्ट आंसर को विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशंस यू कैन फाइंड। फोर जो सम दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 5% पर एनम्स। आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस जो है निकालना है, आपके पास टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट दिया हुआ है आपके पास 5%, और इसमें जो है सो सम भी दिया हुआ, आपका सम दिया हुआ है ₹2000। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, सम आर का स्क्वायर 300 प्लस आर और 100 का क्यूब, ये फार्मूला अडॉप्ट करना होगा, इससे आपका डिफरेंस ऑप्टेन हो जाएगा। तो सम आपका दिया हुआ है 2000, रेट आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 25 और 5 इसमें एडिंग कर दिए 305, 100 × 100 × 100, 2000, 25, 305 और 100 × 100 × 100 आप इसमें 1, 2, 3 कैंसिल कर दिए 30, 2, 5 जा 10, 5, 5 जा 25,
फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 300, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15, 25 आ गया, नीचे 100 है, यानी आपका जो डिफरेंस आ गया 15 रुपीज़ 25 पैसे का डिफरेंस आ गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑलवेज ना टेक केयर, हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा ट्रिक किस सम में यूज करना है। यदि ट्रिक को सूटेबल आप उस सम में यूज कर देते हैं, बहुत कम समय में एग्जैक्ट आंसर्स आप फाइंड कर सकते हैं, मोर एंड मोर सम को आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।